नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं सफलता में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान और हम इसकी समाप्ति की ओर हैं। इसमें कुल 35 अंक हैं और जिसमें से आज 32वें नंबर का अंक हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा, अब तक की कहानी से तात्पर्य मेरा पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार परिस्थितियों को सुख से दुख में और दुख से सुख में बदलते हुए समय नहीं लगता। राय साहब तीन काम करना चाहते हैं एक साथ, तीनों बहुत बहुत बड़े काम होते हैं और उनके तीनों काम पूरे हो जाते हैं। उनकी लड़की की शादी भी हो जाती है, वो राजनीतिक पार्टी में जीत भी जाते हैं और वो मुकदमा भी जीत जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। इस तरह उनके तीनों बड़े काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन दूसरे और उनका जो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा काम जो उनका विपक्षी है, राजा सूर्य प्रताप सिंह, वह स्वयं आगे से उनसे संबंध स्थापित करना चाहता है अपनी पुत्री के माध्यम से। और यह है राय साहब के लिए संपूर्ण जीवन की अमूल्य निधि उन्हें मिल जाती है। उन्हें लगता है कि जीवन सार्थक हो गया, शत्रु भी आगे से सिर नवा रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन तत्काल दूसरे ही क्षण उन्हें अपने पुत्र द्वारा जो सूचना मिलती है, जो उनका पुत्र जो व्यवहार करता है, तो उससे उनके सारे मंसूबों पे पानी फिर जाता है और एक क्षण में उनके जीवन के सारे सुख एक दीर्घकालीन और हृदय विदारक दुख में उनके लिए परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अपने जीवन के अंतिम समय तक वो जूझते रहते हैं और टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। तो किस प्रकार एक क्षण में सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में जो भी कुछ है वह क्षणभंगुर है, ना सुख स्थायी है और ना ही दुख। हमारे मन के भाव होते हैं जो किसी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को सुख अथवा दुख में बदल देते हैं अधिकतर परिस्थितियों में। यह हमने देखा। दूसरी ओर मालती के प्रति मेहता में अब उपासक वाला भाव जागृत हो गया, यानी वो आकर्षित नहीं है बल्कि वास्तव में मालती के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद आगे की कथा में देखते हैं आज क्या इस कथा में होता है, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। और हाँ, आप लोग यदि देखना चाहें तो दूरदर्शन पर तहरीर करके एक मुंशी प्रेमचंद तहरीर करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें गोदान उपन्यास को दिखाया जा रहा है ना, तो आप अगर वहाँ देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें। अब ये मुझे नहीं पता कि उसमें पूरा दिखाएंगे या आधा दिखाएंगे, लेकिन आज से वो प्रोग्राम शुरू हुआ है, 12:30 बजे वह प्रोग्राम आता है, तो आप उसमें गोदान को अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। बाकी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों द्वारा उसमें होरी का चरित्र निभाया है, शाहिद कपूर के जो पिताजी हैं पंकज कपूर उन्होंने, और धनिया का चरित्र निभाया है सीकरी करके है, पूरा नाम तो मुझे उनका आता नहीं है, लेकिन बहुत सशक्त अभिनेत्री हैं। बालिका वधू में जो दादी बनी थी वही अभिनेत्री हैं, तो उन्होंने अभिनय किया है। बाकी आप लोग देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वैश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भाव हल्का कर सकते थे, मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में ऐसा कौन है जो अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, जब वो बीत जाती है, जैसा कि कल की कथा में भी हम बात कर रहे थे कि जो कर्म करने का समय होता है वो बीत जाता है, तो उसके बाद हमें अपनी गलतियों का आभास होता है, पछताते हैं हम इतना। जैसे कि मिर्जा खुर्शीद के पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी धन था, लेकिन वो सब उन्होंने ऐश आराम में, शान व शौकत में लगाया। उन्होंने कोई भी अच्छा काम उससे ऐसा नहीं किया जो उनकी आत्मा को तृप्ति देता या ईश्वर के करीब उन्हें ले जाता। लेकिन जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़े तो उन्होंने अपने उस समय को याद करा और उनकी आत्मा जो है, आत्मा जागृत हुई, यानी कि आत्मा में ये आया कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि साहित्य को पढ़ने से अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो प्रत्येक कहानी कहानी न होकर एक सीख है। ये उपन्यास गोदान में मात्र प्रेमचंद ने एक कहानी प्रस्तुत नहीं करी है कि किसानों की दशा, किसानों के जीवन की महागाथा भी कृषक जीवन की महागाथा के नाम से इस उपन्यास को भी जाना जाता है, लेकिन इसमें नगरीय जीवन की जो कथा है उसको भी प्रेमचंद ने व्यापक रूप से विस्तार दिया है। तो इसे केवल किसान जीवन की कथा न मान के मेरे अनुसार इसे तत्कालीन समाज की ज्वलंत गाथा है ये, जो उस समय समाज था, पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए आधुनिक काल में प्रवेश करने जा रहा था। प्रगतिवादी का दौर है 1936 का, तो उस समय की जो संपूर्ण जीवन है, चाहे वो ग्रामीण जीवन है चाहे तत्कालीन जीवन है, उस समय की समस्त समस्याओं, उस समय के समस्त सामाजिक वातावरण को, इस आर्थिक वातावरण को, आर्थिक नीतियों को अंग्रेजों की, कि किस प्रकार वो महाजनों के द्वारा जनता को सूद वसूलते थे, ये सब चीज़ इसमें समाहित है गोदान में। बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रेमचंद कह रहे हैं खुर्शेद के माध्यम से, प्रत्येक पात्र जो है उनका साधारण होते हुए भी बहुत दार्शनिक अर्थ दे जाता है। मालती प्रगतिवादी महिलाओं के लिए, उस सोच के लिए, आज की लड़कियों के लिए एक प्रतीक बन के उभरी है कि किस तरीके से जीवन, ठीक है वो गलतियां करती है, शान शौकत से प्रभावित होती है, लेकिन जब जीवन साथी चलने का जब समय आता है तो मेहता के इतने गुण होने के बावजूद भी वो मेहता को दूर कर देती है, स्वयं से मेहता को अलग कर देती है, या ये कह लीजिए कि अपने को मेहता से अलग कर देती है। वो जीवन की सच्चाई जान चुकी है, सेवा और अपने अस्तित्व को चुनती है, वो एकमात्र पत्नी बनकर, एक भोग की वस्तु बनकर नहीं रहना चाहती, जीवन की सार्थकता का उसे ज्ञान हो जाता है। सजने संवरने का भी शौक रखती है, लेकिन उसके अपनी सीमाएं हैं। तो उसके चरित्र का एक श्रेष्ठ रूप हमें जानने को मिलता है अंत में। शुरू में वो एक इसी तरीके की तितली की भांति सबको लगती है, लेकिन वो ऐसी है नहीं। आगे बढ़ते, काश तो आज, हम खुर्शीद कहते हैं कि अगर उस समय हमने ज्ञान या शक्ति का संचय किया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वहीं उनके इसका वेदना में अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी, बसेरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उनके एहसानों का बदला देना चाहा तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। यानी कि अब उनको जीवन की छोटी, जब व्यक्ति को करने को कुछ नहीं रहता ना, असहाय हो जाता, तब उसे अपनी गलतियों की अनुभव होता है और उसको प्रेम का सच्चा अर्थ मालूम होता है कि निस्वार्थ भाव से जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वही हमारा सच्चा प्रेमी और हितेशी है। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अलहड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल में मिट चुकी थी, वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास ना गए, विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही ना आई। यानी व्यक्ति भोग विलास में, चमक दमक में इतना डूब जाता है, नगर की सुंदरियों के बीच, अपनी अय्याशियों के बीच, उसके जो त्याग से उस बाला ने उनके लिए काम किया था, उस लड़की की उन्हें कभी भी याद नहीं आई। आई थी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर नम्र शांत सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। हर उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी उसके गंदले तेज फैनिल प्रभा में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी, अब प्रभा स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुंच रही थी। प्रतीकात्मक भाषा है, नदी के माध्यम से जीवन का एक सुंदर चित्र यहाँ प्रेमचंद ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि जब व्यक्ति जवान होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी विकृतियां होती हैं, उसमें बहुत सारे काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे बहुत सारे शत्रु होते हैं, बहुत कुछ उसके जीवन में आसपास मोह माया के इतने बंधन होते हैं कि उन्हें जीवन की सच्चाई दिखती नहीं है। अभिमान उसमें से कह लीजिए, या जितने भी विकार हैं, हमारे मनोविकार हैं, उनके कारण हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि जीवन का सार किसमें है, आत्मा की संतुष्टि किसमें। पूरा जीवन हम आसपास के अपने हिसाब से काम करने में या अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा देते हैं और अंत समय में पछताते हैं। लेकिन जब प्रभा स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है,
रक्त और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी, तब हमें जीवन की सच्चाई का, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है। लेकिन तब फिर वही वाली कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हम कुछ नहीं कर पाते। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोंपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई, मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसंत पर बिठाते हुए कहा, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए। हाँ मिर्जा, बढ़ चल पट्ठे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की जरूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियाँ आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों, यानी वैश्यावृत्ति के कार्य में वो आएं। सही बात है कि जीवन से संघर्ष करते हुए इसमें आती थी पहले, ठीक है, अब तो देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं। एक केवल, चलिए हम इस प्रसंग पर बाद में बात करेंगे, फिर विचार दूसरी दिशा में चले जाते हैं, लेकिन पहले तो कम से कम महिलाएं, वही महिलाएं इस पेशे में आती थी जिन्हें आर्थिक रूप से कुछ परेशानी थी अथवा जो घर से निकाल दी जाती थी दुखी होकर। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर मित्रों में बहस छिड़ गई, दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया, रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती, उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक ना बदल डाली जाए इस तरह की मंडली से कोई फायदा ना होगा। देखिए प्रेमचंद ने, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी बात को लेके, किसी भी समस्या को लेके अपना कोई निर्णय पाठक वर्ग पर नहीं थोपाए। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर स्वयं, दो पक्ष उसके हमारे सामने स्पष्ट कर दिए, अब चाहे हम किसी भी मत के समर्थक हों। जैसे कि खुर्शीद का मत है कि घर से अपमानित, पद दलित या फिर आर्थिक कष्टों से तंग आकर महिलाएँ सो आती हैं, जबकि मेहता का तर्क है कि ऐश और अय्याशी के साधन ढूंढने के लिए महिलाएं सो आती हैं क्योंकि रोजी रोटी तो और साधनों से भी प्राप्त की जा सकती है मेहनत करके, उसके लिए इस पेशे में आने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें, अगर मेरी बात करूं तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती अपहरण करके या विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार होने के बाद जब कोई राह नहीं बचती तो वो इस धंधे में उतरती हैं। लेकिन बहुत सी वर्तमान में अगर आप देखें तो इसको बहुत सी नारी या कहें स्त्री या लड़की जो भी आप कहें, उनके सपने इतने बड़े हैं कि छोटे मोटे काम करके वो पूरे नहीं हो सकते। जीवन की चकाचौंध में जो सबको अपनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे सरल रास्ता उनको ये लगता है और यह एक व्यवसाय के रूप में उभर आया है। अब बड़े बड़े छोटे छोटे गाँव में तो आसानी से पता चल जाता, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े होटलों में ये एक व्यवसाय के रूप में कार्य होता है। और जरूरी नहीं है कि हर लड़की इसमें शोषित ही आई हो, अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के भी लिए भी लड़कियां इसमें आने लगी हैं, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट न्यूज़पेपर में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती है कि जब पुलिस पकड़ती है उनको तो इस तरीके की लड़कियाँ भी सामने आती हैं जो कि दिल्ली जैसे महानगरों में कोई IAS की ट्रेनिंग कर रही है, कोई MBA कर रही है, कोई कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं। तो उन सबको आप क्या कहेंगे, वो सब किसी दबाव से नहीं आई हैं, वो अपनी भोग बिलास की तृप्तियां करने, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कम समय में, कम मेहनत द्वारा अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह में इस धंधे में आती हैं। तो यह भी एक सत्य है, एक महिला होने के नाते जरूरी नहीं है कि हर बात में महिलाओं की ही ओर लिए जाए या उन्हें सतवंती ही साबित करने की कोशिश करी जाए, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और उससे भी बड़ा
हम शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो चीज को समीक्षापूर्ण दृष्टि से देखना जरूरी है। अगर हम अपनी राय व्यक्त करने जा रहे हैं किसी बात पे तो उसके दोनों पक्ष हमें देख लेने चाहिए। खैर इस पे आगे देखते हैं, इस बारे में आपकी जो राय हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करें, मिर्जा क्या कहते हैं, मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ यह महज रोजी का सवाल है। हाँ यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और फूस की एक झोंपड़ी का सवाल है, वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतदारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। और बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ, गर्म होकर बोले माफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक इस दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वैश्याएँ भी रहेंगी, मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी ना ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह मान भी ले कि वैश्याएं आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली नहीं रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े ना चलेंगे पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे भी लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहता कहते हैं कि जब तक इसकी जड़ नहीं खत्म करी जाएगी, कोई ठोस व्यवस्था समाज में नहीं करी जाएगी, वैश्यावृत्ति कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ महिलाओं को अगर आप इस पेशे से निकाल भी लेंगे तो बहुत सी और नई लड़कियां उनकी जगह आ जाएंगी, तो बाजार में उनकी जगह कभी भी खाली नहीं हो जाएगी। ये मेहता के विचार है। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ, इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है, तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रह जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत ना ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाए, मिर्जा को गम नहीं, शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाए, धर्मशाला और मस्जिद खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं, अबलाओं की जिंदगी ना खराब करें, ये मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशर्फियों पर कोई थूकने वाला भी ना मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मिर्जा चाहते हैं कि इनको लड़कियों को अगर इधर आने ही नहीं दिया जाए तो दौलत वाले क्या कर लेंगे, शेर को पिंजरे में डाल दो, है ना। जिस प्रकार शराब पी पे जब रोक लगा दी थी सरकार द्वारा तो बहुत से लोगों ने पानी पे पी पी कर काम चलाया था, तो मिर्जा जी ऐसा करना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं। मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वैश्याएँ नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे, जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी कृपा से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक जैसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, अस्मत सतित्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है, यानी कि पतिव्रता नारियां हिंदुस्तान में ही मिलती हैं। अपने मुंह मिट्ठू मियां बन लीजिए, दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया, नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वे दौलत के पंजे से छूट गए, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालयों से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान की दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा ना हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले ना समाइएगा, इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसी अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में भी जाने में मुझे उज्र नहीं, मगर मिस मालती से आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। हाँ जी, वह तो आप पर मरती थी,
मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक मैं क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए, आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। ये कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ गए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब क्या आपको तकलीफ करनी पड़ेगी? खन्ना के पास जाइएगा। जरूर जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी ना थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए थे। चिंता कह लीजिए या सरल शब्दों में से प्रेम का रोग कह लीजिए। अब मेहता मालती के परीक्षक ना बनकर मालती के उपासक बन गए, है ना? और जिस प्रकार उपासक अपने भगवान को पाना चाहता है, उसी प्रकार अब मेहता को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो मालती से विवाह करना चाहते हैं। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए थे। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी थी कि उसे खो ना बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास ना आई थी और जब वे विफल होकर उसके घर गए तो मुलाकात ना हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय एक दो बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर मुश्किल से मिलती, ऐसा मालूम होता था जैसा जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया था। जाहिर सी बात है कि जिस काम जब हमारे मन में कोई शंका हो, परेशानी हो, तो हम कोई भी सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाते, ठीक है? अपने आप को बार बार उस कार्य की ओर लगाते हैं। मेहता पुस्तक जो वो लिख रहे थे, जो पूरी होने वाली थी, लेकिन लिख नहीं पा रहे। मालती, उनका मन मालती को खोने के डर से डर रहा है। देखिए, जब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कोई कीमती चीज़ है तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हमें मालूम चल जाता है, किसी चीज़ के खोने का डर होता है या दूर चला जाता है, तब हमें उसकी कीमत मालूम होती है। गृह प्रबंध में तो वह कभी कुशल ना थे। सब मिलकर 1,000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी ना की थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ ना था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों में मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरेपन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौकीफ ना हुई थी। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद ही न थी, और महाराज से पूछें भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई, उसने इनकी यह हालत देखी तो उससे न रहा गया। बोली, तुम क्या आपका जाड़ा यूं ही काट दोगे? यह अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी ना होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। देखिए, जब दो मित्र होते हैं तो उनमें किसी तरीके की बात करने की सीमा नहीं होती कि यह बात करनी चाहिए अथवा नहीं। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1,000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं? मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा ना थी, लेकिन मैं उसी से सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? यानी देखिए, हो रही तो पूरी साल में बेचारा 200 की फसल नहीं कर पाता। मालती बस डॉक्टर हैं तो 400 ही मिलते हैं, लेकिन मेहता 1,000 कमाते हैं और फिर भी नहीं बचाते। उस समय 1,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, मुझसे रुपये ले जाओ और एक जोड़ी अचकन। अब मेहता कहते हैं, मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता, मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं। मालती कहती, अच्छा मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बार बनवा लूँगा, सच कहता हूँ, यानी अब की तनख्वाह मिलेगी तब। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए, मालती ने कहा, जब आप यहाँ आए तो आदमी की तरह आए। मेहता कहते हैं, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस ना पड़ता था। मालती के घर जाएं तो कौन मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे।
एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था, 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल ना कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने की का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए ना पहुंचे तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था कि मेहताजी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहे। मेहता ने किसी तरह की पैरवी ना की, एक तरफ डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इतला दे दूँ, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है, जिस दिन में भी रुपए दे दीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं, मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूँगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखते कैसे हो, मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर तक नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाए बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते नहीं, मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता, जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा ना छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों, कौन लिखे, बोसा लगता है। और ये पोथे कैसे लिख डालते हो, उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ, हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता, तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो क्या कहना, मूसलों ढोल बजाऊँ। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े-बड़े कमरे दे दिए, उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान तो ज़्यादा ना था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियाँ चाहें लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विधवाओं की तादाद भी इससे कम ना थी, इस खर्च में कैसे कमी करे, यह उसे ना सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने पर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सुख चाहते थे। यह देखकर और भी झंझलाट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही ना थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहो दो, जिसे चाहे ना दो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, हाँ जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम ले लो, अब यश मेरे सिर पड़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो, मनुष्य जाति की इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है, उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी ना किया होगा, बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यह ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? यानी मालती साफ कहती हैं, अगर इसका तात्पर्य आप लगाएं दान का, तो इसका तात्पर्य आप लगा सकते हैं किससे, आरक्षण व्यवस्था से। अगर व्यक्ति पे अन्याय हो रहा है तो वो इसके खिलाफ कभी ना कभी खड़ा हो ही जाएगा, लेकिन आप जब आप उसको मदद मिलने लग जाती है, आरक्षण किसी भी रूप में, दान भी एक तरीके का आरक्षण ही है। देखिए, बहुत जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत के हिसाब से दान दीजिए, लेकिन अगर किसी को पता रहता है कि हमारे पास इतने रुपये आएंगे, तो बहुत से लोग उसको वो अकर्मण्य बना देता है, गलत लाभ लेते हैं। अब जैसे आरक्षित प्राप्त जातियों की बात करें, आरक्षण प्राप्त जातियों की, तो उसमें से बहुत से लोग ऊँचे ऊँचे पदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी सिविल सर्विसेज में वो सर्वेंट हैं, समाज में ऊँचे ऊँचे पदों पर वो हैं, तो उनकी जाति का उद्धार हो गया, लेकिन फिर भी वो उस आरक्षण व्यवस्था को छोड़ते नहीं हैं। उनके बच्चों को आज भी कोचिंग सेंटर्स में फ्री पढ़ने को मिलता है, आज भी उनके उनके लिए सब चीज़ें फ्री हैं,
फ्री में वो लेते जा रहे हैं, वो लोग अपने पैसे में से अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते, वो लोग नहीं करेंगे। अब उन्हें व्यवस्था का लाभ भी ले लिया, लेकिन फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही, और इस व्यवस्था ने उन लोगों को पंगु बना दिया है। अब यदि इस व्यवस्था को ख़त्म करा जाएगा तो समाज में बहुत बड़ा विद्रोह को जन्म देगा। उसकी जगह जिन जातियों को आरक्षण नहीं प्राप्त है या दान नहीं प्राप्त है, उनके बच्चे गरीबी में मर रहे हैं, है ना, वो लोग अच्छे नंबर ला के भी नौकरी नहीं पा सकते। नंबरों में भी आरक्षण, देखिए योग्यता का आधार कभी भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, कम से कम बौद्धिक रूप से तो नौकरियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग्य का ही चुनाव होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जाति देख कर नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था चल रही है वो समाज में चल रही है, तो इस संबंध में मैं मालती के विचारों से सहमत हूँ। मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया, किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानी हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है, इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। बड़ी बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे, और मेरी समझ में जो मेहता भी बेवकूफ़ हैं पूरे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वे संकोच के मारे कई दिन बाहर ना निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में कोई दूसरा अपराध न था, मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे ड्योड़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदाश्यता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना था, मालती घर की भी थी और बाहर की भी, मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे, मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा कोई जिम्मेदारी ना थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ न सकती थी और न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष केवल अपना है, वो जब चाहे घर परिवार को छोड़ सकता है, चाहे महात्मा बुद्धि क्यों ना रहे, उन्होंने भी अपनी पत्नी को और पुत्र को बिना बताए जीवन की शरण छोड़ दिया उनको। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन है, तो यशोधरा में जो उनकी रचना है उसमें यशोधरा का है, उसकी बहुत प्रसिद्ध लाइन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, रात में सोती हुई अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, बता तक कर नहीं जाते कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। जब चाहा जीवन को छोड़ के चल दिया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ग्रंथों में आपकी प्रशंसा होगी, दुनिया ने आपको पूजा, यशोधरा का क्या जो सब कुछ छोड़ के आपके लिए चली आई, उसको आप बिना बताए चले गए। तो यह पुरुषों की, मेहता की भी प्रवृत्ति है, लेकिन मालती के पास परिवार है जिसका उसे पालन पोषण करना है, मालती के पास जिम्मेदारियां हैं, बंधन है, तो वो दान करती है, लेकिन उसको यह पता है कि किसको दान की आवश्यकता है, कहाँ करना है। अमीरों को दान नहीं करती, वो दान करती है गरीबों को। कहने का तात्पर्य वही है कि आरक्षण की व्यवस्था लागू हो समाज में, लेकिन उसका आधार आर्थिक होना चाहिए, जरूरतमंद के पास तक मदद पहुँचनी चाहिए, मदद का आधार जाति नहीं होनी चाहिए। अगर एक ब्राह्मण गरीब है, दरिद्र है, उसके बच्चे फटे हाल में हैं, तंग हाल में हैं, तो उन बच्चों को भी मदद मिलनी चाहिए, और समाज में हर वह व्यक्ति जो जरूरतमंद है, चाहे किसी जाति का, किसी धर्म का हो, उसको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग फर्स्ट ग्रेड की सर्विस में लगे हुए हैं, जिनके परिवार के पूरे सदस्य गवर्नमेंट जॉब में, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिले, यह निहायत गलत है, और मैं बिल्कुल प्रखर शब्दों में इसका विरोध करती हूँ। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, ताकि सभी वर्ग उन्नति करें, उसमें महिला पुरुष जाति का भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक समय किसी जाति को उसके निम्न स्तर से उठाने के लिए जो प्रयत्न किए गए वो तत्कालीन समय के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस आरक्षण व्यवस्था की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज की कहानी में हमने दो चीज़ें नहीं पढ़ी, एक बहुत सारी समस्याएं, विधवा विवाह, पुनर्विवाह जो भोला का हुआ था, विधवा विवाह जुनिया के माध्यम से, प्रेम विवाह सरोज के माध्यम से पढ़ा। अब वैश्यावृत्ति की समस्या को भी छोटे रूप में ही सही, लेकिन गोदान में प्रेमचंद ने छुआ है, यानी कि उस समस्या पे भी विचार किया है कि उसके संबंध में क्या हो सकता है,
दान या आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, इसको भी संक्षिप्त रूप में सही प्रेमचंद ने छुआ है। देखिए, कथाकार का काम है केवल ध्यान आकृष्ट करना, तो वो उस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अब हम उसमें अपने क्या विचार रखते हैं, आगे की पीढ़ी इस संबंध में क्या विचार रखती है, इन विचारधाराओं को कैसे समाज में आगे ले जाना, इसका उत्तरदायित्व अब प्रेमचंद के बाद हम पे यानी युवा पीढ़ी पे है, जो इस चीज़ों को आगे कक्षा में समझाएंगे और अपने ज्ञान का प्रसार प्रसार करेंगे या समझेंगे, दोनों ही बातें हैं। मैं फिर कहूँगी, प्रेमचंद ने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी, कोई समस्या या कोई भी कहें विचार का बिंदु नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने गोदान में समाहित न किया हो। बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए, बल्कि गोदान में सब कुछ है। तो हमेशा नारियों का रास्ता, स्त्रियों का रास्ता पुरुषों से कठिन होता है, क्योंकि वो बंधन नहीं छोड़ सकती। सबसे बड़ा बंधन ममता का, सबसे बड़ा बंधन अपनी संतान का। जो ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है, जो हमारे माध्यम से इस संसार में आए हैं, उस दायित्व से मुंह कभी भी किसी भी परिस्थिति में मोड़ना ही नहीं चाहिए, और अधिकतर महिलाएँ मोड़ती भी नहीं हैं। दोबारा देखते हैं, निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे, यानी अपने आप को दोनों ही मिटाना चाहते थे, सार्थकता प्राप्त करना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपने अलावा कोई जिम्मेदारी ना थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ ना सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। अब हमारे पास क्या है, महिलाओं के पास हमारा परिवार ही तो है ना, और क्या है, किसके लिए जीना, किसके लिए करना, एक अपनी आत्मा की उन्नति के लिए और एक अपने परिवार के लिए। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरवारी दुनिया एक अजनबी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित ना थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयाँ नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है, मगर यह भी देखा जाए कि वह विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसके ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस तक ना पड़े। यह ध्यान ना रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भैंसे बांध कर रखी जा सकती है, वह तो पूरा विश्वास चाहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करना चाहती हूँ, इनको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, लेकिन मेरी छोटी गुड़िया मेरा हाईलाइटर लेके भाग गई, तो मैं तो हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी, आप कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। दोबारा देखते हैं, प्रेम के संबंध में क्या विचार हैं। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भैंसे बांध कर रखी जा सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है लेखक ने, विचार कीजिएगा। वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है, उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। यानी प्रेम विश्वास चाहता है, समर्पण चाहता है, जिम्मेदारी चाहता है और स्वाधीनता भी चाहता है। प्रेम कभी भी बंधन में बंध कर नहीं रह सकता। ऐसा ही होता है, जो भी रिश्ते असफल होते हैं, प्रेम विवाह भी बहुत ज़्यादा असफल होते हैं, क्योंकि कारण है कि जब बस होता क्या है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में भी होता है, कौन से कपड़े पति पहनेगा या पत्नी पहनेगी, इतना ज़्यादा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी पत्नी कौन सी साड़ी पहनेगी यह भी पति डिसाइड करते हैं, घर में आज क्या बनेगा यह भी पति ही डिसाइड करते हैं, कौन से फंक्शन में जाना है नहीं जाना यह भी पति डिसाइड करते हैं, पत्नी को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, साथ ही साथ किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी, सब कुछ पति ही डिसाइड करते हैं। होता क्या है, अंत में महिलाएं घुट कर रह जाती हैं, खाने से उनका सोना जगना सब कुछ पति पे डिपेंड हो जाता है, और इसी कारण उन्हें घुटन होने लगती है जीवन से और घुटके रह जाती हैं, अवसाद में ग्रसित हो जाती हैं। बहुत सी महिलाओं के लिए मानसिक चिंता बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। कारण यही है कि उन्हें वो खुला वातावरण नहीं मिल पा रहा, पुरुषों को विश्वास ही नहीं है महिलाओं के ऊपर, यानी प्रेम भावना तो कहीं रह नहीं पाती, रह जाता है कोरा नियंत्रण
और उसका परिणति कम से कम उससे मधुर जीवन की आशा तो नहीं की जा सकती, जीवन में कटुता आ जाती है। यही कटुता, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने की भावना, एक दूसरे को अपने अनुसार बदल लेने की भावना, होता क्या है कि अंत में विवाह विच्छेद जैसी समस्याएं सामने आती हैं और उसका अंत विवाह विच्छेद यानी तलाक के रूप में होता है और कोई इन चीज़ों की परिणति हो ही नहीं सकती। मेहता भी इसी गलती से कर रहे हैं, मालती को बांध कर रखना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं, लेकिन मालती ने अपने जीवन को सही दिशा में लगा दिया है और वो जीवन की सार्थकता भी समझ गई है। मालती शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठा रही है, आगे पति और बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो सही पुरुष का चुनाव करना चाहती है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं, अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर स्नेह रखती। शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही और खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं, वह उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है, मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल हैं और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा, मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे समीप से वह स्पष्ट हो गए, उनमें अर्थ है, संदेश है। पुस्तक के अक्षर लिपि पुते यानी बाहरी रूप को मालती के मेकअप करके जो वो रहती थी उसी रूप को देखा, लेकिन जब पास आ गए तो वो उसको अच्छे से समझ पाए हैं। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था, गोबर वही होरी और धनिया का पुत्र। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल ना रहा, वह खुद ड्राइव कर रही थी, फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था, सड़कों पर सन्नाटा हो गया था, कोई ऐसा आदमी नजर ना आता था जो कार को धकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला, मालती को खड़े देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फल्लांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया, 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था, यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था पर उस काम से उसे उलझन होती थी। देखिए काम भी बहुत ज़्यादा होता है मिल में। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू किया, उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई, झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी, बच्चा उस दिन से परच गया, उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई ना ले लेता उसका पीछा ना छोड़ता। सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों के बाल मन को भी प्रेमचंद भली भांति से जानते हैं। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक ना दिखाई दिया, झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ कि बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई, चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत था, खपरेल की उस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर की मालती एक मिनट भी बहाना ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक ना हो जाए, बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था, अगर इसी सीली कोठरी में रहा तो बेहतर कहीं ज्वर और ना बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा, अपनी जलती हुई उंगलियों से मालती के गले के मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी, नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत ना रही, यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज़्यादा सुरक्षित थी, यानी बच्चा चीज को पाके अपनी माँ की गोद में आ गया। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसा भागा। झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मैम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा, छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थे,
देर तक उन्हीं चीजों पर टकटकी लगाते देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल मंगल, गोबर और जुनिया के बेटे का नाम है। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो आज तो हंसा नहीं जाता मैम साहब, क्या करूँ, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दो दो चार दिन के लिए बुला लावे, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया, अंदाज से 18-20 कोस होगा। मालती को बेलारी याद था, बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आदमील पर नदी है? हाँ हाँ मैम साहब, वही गांव है, आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे, तू जानती है? वह तो मेरे ससुर है मैम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार और औरत मालूम होती थी, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए, वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बुहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते, रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती थी बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे ना आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथें उठा लेता ऊपर। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया, गोबर, जुनिया, महाराज, कोई ना बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए, और कई फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। तो अब हमने देखा कि एक यही झाड़ फूंक की समस्या बची थी, ठीक है, और यह भी आगे आ ही जाएगी। प्रेमचंद जी छोड़ने वाले कुछ नहीं है, ठीक है। अभी एक बीमारी थी जो उस समय गांव में सर्वाधिक जिसका भय था। आज तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, कोरोना वायरस निरंतर नई नई निकल रही हैं, लेकिन उस समय ये जो माता है ना, ये इतनी बड़ी बीमारी थी कि इस बीमारी के आगे और सब बीमारियां तो फेल थी। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, झाड़ फूंक पे जाते थे। हो सकता है आगे की कथा में वह भी आ जाए, लेकिन आज की कथा का इतना इंटरेस्ट आ रहा था आज की कथा में कि वीडियो का पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा वीडियो हो गया। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलती हूँ आपसे कल की कक्षा में। आज की कक्षा में आपको ये कैसा लगा? जो भी कुछ विचार आपके मन में आए, किसी भी प्रसंग को लेके कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके विचारों से हम एक दूसरे के विचारों से अवगत हो पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।